इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर रिसेंटली UKPSC ने आपका जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अप्लाई लिंक के ऊपर आने के लिए और भर्ती की एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने के लिए, नोटिफिकेशन ओपन करने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर होम पेज पर देखेंगे UKPSC JEE रिक्रूटमेंट 2021, तो ये पोस्ट आपको ओपन करनी है। पोस्ट ओपन करने के बाद आप यहां पर जानकारी देख सकते हैं कि ये भर्ती जूनियर इंजीनियर के पद पर निकाली है। 776 इसके अंदर वैकेंसी है और आप लोग ये फॉर्म 26 नवंबर 2021 से लेकर के 17 दिसंबर 2021 तक भर पाएंगे। फिर आपको यहां पर नीचे आना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहां पर इसके अंदर संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी है, इसके अलावा उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, जो आपकी जेई की पोस्ट है वो कौन से विभाग के अंदर निकाली है, ये सब जानकारी आपको यहां पर दी गई है। तो आपको अच्छे से चेक करना है और जब आपको लगे कि मैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं, तो आपको यहां पर आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है, जो कि आपको चेक करते हुए अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है, या फिर कह लीजिए कि फॉर्म आपका आपके सामने आ चुका है। तो आपको कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट के अनुसार, वो पूरा नाम यहां पर एंटर करना है। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है, शादी हो चुकी है तो पति का नाम यहां पर आपको एंटर करना होगा। मदर नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो आपको यहां पर मदर्स का नेम एंटर करना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर आपकी DOB सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद है आपकी एज कितनी हो जाती है 1 जुलाई 2021 तक, वो यहां पर ऑटोमेटिकली काउंट की जाएगी। जेंडर आपको आपका सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अनमैरिड सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी यहां पर आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए।